पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? ओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं ना दोस्तों, काफी कमाल की वीडियो होने वाली है। और उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने 26/11 का जिक्र करके क्या कहा। हाँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसे क्या क्वेश्चन पूछा गया 26/11 का जो हमला हुआ था हमारे इंडिया में, जो हमारे मुंबई में, जिसमें कि लाखों बेगुनाहों की जान ली थी आतंकवादियों ने, जो 8 आतंकवादी घुस गए थे। तो इस पे क्या सवाल पूछा है पाकिस्तानी लड़के ने ओबेसी से, देख लिए इस वीडियो में, देखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? बात ये क्या, काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज होए। नहीं नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना यह था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँबानी और जाफ़शानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को गुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निजामाबाद की फैमिली को जानता हूँ। एक एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची। वो तो ये जरूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहां पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज सुना रहा हूं मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं ना, MURL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला मुबारक भाई जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है, आप तो आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, हमने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दी हमारा है बोल के, क्लेम कर दी विद कैपिटल सी एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए हम तो बोल रहे कि ले लो जाके, आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। जैसे कि दोस्तों हमने इस वीडियो को देखा, और वीडियो देखकर जो हमें समझ में आया था, हमारी ख्याल से एक डिबेट हुई थी जिसमें कि एक मुसलमान जो लड़का था, इस वीडियो में लिखा भी गया था शिकागो में ये डिबेट हो रही थी, तो उस लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि वो लड़का पाकिस्तान का था और और ओबीसी जी से कह रहा था कि आप जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको अपना भाई मानते हैं या नहीं। हाँ, और दोस्तों जो ओबीसी जी ने काफ़ी सजग तरह से मतलब इनको आंसर बताया कि
कि जो भी मतलब एक तरह से उन्होंने जो 26/11 का जो मुंबई में टेररिज्म अटैक हुआ था उसका एक मतलब वाक्य सुनाया उन्होंने कि एक जो एक गुड़िया मतलब एक लड़की थी उनकी अभी मतलब हालांकि शादी हुई थी और उनकी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, तो वहाँ के जो रेलवे स्टेशन पर उनको गोली मार के उनकी हत्या हो गई थी। हाँ मतलब इनका जो जवाब था, इन्होंने एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया, हाँ मगर घुमा फिरा के तो कुछ और कहना चाहते थे। वो कहते हैं कि ये जो धरती भूमि है ये हमारी भूमि है, इसमें हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई दी, अपना रक्त बहाया, अपना खून बहाया है, तो हम ऐसे छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकते। और जो छोड़ के गए हैं वो मतलब कि वो बता रहे थे वो गद्दार थे जो दूसरे देश में शरण ली जिन्होंने। हाँ दूसरा वाक्य उन्होंने एक पार्लियामेंट से रिलेटेड बताया, जो अभी नया पार्लियामेंट बनाया है तो उसमें जो एक दो मोरल था उसमें जितने जो अखंड भारत जो मतलब जो पहले का जो हमारा भारत था उसमें सब मतलब बंटवारा होने से पहले जितने भी जो ये अफगानिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, बर्मा हो गए, ये सब कुछ मतलब एक हमारे मतलब भारत के ही हिस्से थे। हाँ और आप शॉकिंग होंगे कि आपको अपने आपने भी कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो हमारा भारत है वो अखंड भारत क्यों कहा जाता था, कि जिसमें कि आज के भारत में काफ़ी देश निकल चुके हैं, हमारे भारत में से काफ़ी देश निकल चुके हैं, मगर अखंड भारत में दिखाया गया कि आने वाले टाइम में क्या पता अखंड भारत फिर से दोहराया जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।